नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। नमस्ते छात्रों, आप सब से फिर से मिलकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक कहानी से करें? साहिल की माँ बीमार थी और उसके पापा घर पर नहीं थे। वह नाश्ते में पराठे बना रहा था। जब वह पराठे बेलने लगा तो गीला आटा बेलन पर चिपक गया। उसने थोड़ा सूखा आटा डालकर फिर से बेलने की कोशिश की, पर पराठा आड़े टेढ़े आकार का हो गया। उसकी किनारे पतली थी और बीच से काफी मोटा था। जब उसने पराठा तवे पर सेका तो वह कुछ जगहों से जल गया और कुछ जगह से कच्चा रह गया। वह बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था। क्या आप में से कोई साहिल का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। क्या आपने कभी पराठे बनाए हैं? क्या आप उस अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपने पहली बार पराठे बनाए थे? धन्यवाद। साहिल ठीक से पराठा क्यों नहीं बना पाया? साहिल ने आटे के गोले पर ठीक से सूखा आटा नहीं लगाया था। अगर आप गोले के चारों तरफ अच्छी तरह सूखा आटा ना लगाएं, तो आटा बेलन से चिपक जाता है। आटे के गोले पर अच्छी तरह आटा लगाने से कोई परेशानी नहीं होती और समय भी बचता है। क्या आपने कभी बगुले को मछली पकड़ने का इंतजार करते हुए देखा है? वह पानी में खड़े होकर नीचे की ओर ताकता रहता है। वह छोटी-छोटी मछलियों को जाने देता है और जैसे ही कोई बड़ी मछली दिखती है, वह उसे चोंच से पकड़ लेता है। तो हम कह सकते हैं कि धैर्य का मतलब है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित समय का इंतजार करना। एक इल्ली को तितली का रूप तभी मिलता है जब वह अपने कवच में निश्चित समय तक रहती है। अगर वह समय से पहले कवच को तोड़कर बाहर निकल आए तो उसमें जिंदा रहने की पूरी ताकत नहीं होगी। धैर्य का मतलब है काम को सही समय पर ही करना। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। मीना और राधा ने मिलकर एक रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। मीना को जल्दी जल्दी काम करने की आदत थी। मीना के मुकाबले राधा थोड़ी धीमी गति से काम करती थी। वह अपने हिसाब से पूरा समय लगाकर काम करती थी। जब राधा धीरे धीरे रंगोली के एक हिस्से में रंग भर रही थी, तब मीना ने अधीरता में आकर उसके हाथ से रंग छीन लिए और जल्दी जल्दी रंगोली को पूरा करने लगी। जल्दबाजी में मीना के हाथ से रंगों का डिब्बा छूट गया और सारे रंग रंगोली पर बिखर गए। उनकी रंगोली खराब हो गई। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद। इस परिस्थिति से कैसे बचा जा सकता था? हमने देखा कि मीना की अधीरता की वजह से परेशानी खड़ी हुई। अपनी अधीरता की वजह से मीना ये सहन नहीं कर पाई कि राधा इतनी धीमी गति से क्यों काम कर रही है। वह नहीं जानती थी कि अलग अलग लोगों के काम करने का ढंग भी अलग अलग होता है। दूसरों की कमियों और खूबियों को पहचानना और उनकी धीमी गति को स्वीकार करना धैर्य की निशानी है। अगर मीना ने धैर्य से काम लिया होता तो रंगोली बनाने में जो मेहनत उन्होंने की थी वह व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य का मतलब है दूसरों की धीमी गति या उनके बेढंगेपन को सहन करना। आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं और आपके आगे वाला व्यक्ति बहुत धीरे साइकिल चला रहा है। वह आपको आगे भी नहीं जाने दे रहा। आप अपने दोस्त के साथ कोई नई चीज सीख रहे हैं और आपके दोस्त को वह चीज सीखने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। ऐसी परिस्थितियों में क्या आपने धैर्य खो दिया? आपने किस तरह का व्यवहार किया? क्या आप दोनों स्वेच्छा से अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। गोपी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा था। उसका भाई चाहता था कि खेलने के बाद वह उनकी दादी के लिए कंप्यूटर पर कुछ भजन चला दे। उनका कंप्यूटर नया था, इसलिए गोपी का भाई उसे अच्छी तरह सीडी प्लेयर चलाना सिखा रहा था। गोपी का ध्यान खेल में लगा हुआ था। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया, अब मैं जा रहा हूं। खेल से लौटने के बाद जब उसे भजन चलाने थे तो उसे याद नहीं आ रहा था कि सीडी को कंप्यूटर में किस तरह डालना है। उसने सीडी को सही जगह पर लगाने के लिए बहुत जोर लगाया, जिस वजह से कंप्यूटर का सीडी प्लेयर टूट गया। ऐसा क्यों हुआ? गोपी सीडी प्लेयर को बिगाड़ना चाहता था। गोपी में निर्देश सुनने का धैर्य नहीं था। गोपी को भजन की जगह कोई और सीडी चलानी थी। सीडी प्लेयर टूट गया क्योंकि उसे याद नहीं रहा कि सीडी को किस तरह लगाया जाता है। उसे लगा कि जोर लगाने से सीडी सही जगह पर टिक जाएगी, पर जो काम बड़े आहिस्ता से करना चाहिए वही काम उसने ताकत लगाकर किया, जिस वजह से सीडी प्लेयर टूट गया। यह सब गोपी की अधीरता की वजह से हुआ। अगर उसने अजय के निर्देश ध्यान से सुने होते और उसके अनुसार काम किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। धैर्य का मतलब है बात को ध्यान से सुनना और समझना। आइए अब एक और परिस्थिति के बारे में सुनते हैं। विक्रम और उसके दोस्त यह चर्चा कर रहे थे कि 4 दिन की छुट्टियों में कहां घूमने जाना चाहिए। सब लोग अपने अपने सुझाव दे रहे थे। उन्होंने तय किया कि प्रत्येक व्यक्ति को बारी बारी से अपना सुझाव देने का मौका दिया जाएगा। पर विक्रम बहुत बेचैन हो रहा था। वह चाहता था कि तुरंत कोई फैसला ले लिया जाए। क्या आप तीनों यहां स्वेच्छा से आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद। क्या विक्रम को इतना बेचैन होना चाहिए? आपने सही कहा। जब निर्णय लेने में कई लोग भाग ले रहे हो तो सबको अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। यह सच है कि सबके सुझाव उपयोगी नहीं होंगे, पर सबको मौका देना आवश्यक है। यह बात भी सही है कि फैसला लेने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, पर किसी काम को तुरंत या फटाफट करना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए विक्रम की बेचैनी उचित नहीं है। धैर्य का मतलब है यह समझना कि हर एक चीज तुरंत या फटाफट नहीं हो सकती। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। अंजू कुछ दिनों के लिए अपने गांव से बाहर गई थी और वह स्कूल नहीं जा पाई। 2 दिन के बाद स्कूल में एक परीक्षा होने वाली थी, इसलिए वह बिंदु से नोटबुक मांगने गई। देखिए आगे क्या हुआ। क्या तुम मुझे अपनी गणित की नोटबुक दे सकती हो? तुम्हें नोटबुक कब चाहिए? आज शाम तक। अगर तुम्हें नहीं देनी है तो मत दो, मैं और किसी से मांग लूंगी। इस वार्तालाप से आपको क्या पता चला? 1, बिंदु नोटबुक नहीं देना चाहती थी। 2, अंजू ने सही निष्कर्ष निकाला था। 3, जब बिंदु सोच रही थी तब अंजू ने उसका गलत मतलब निकाला था। दो दिनों बाद परीक्षा थी, इसलिए नोटबुक देने से पहले बिंदु का विचार करना स्वाभाविक था। हो सकता है कि बिंदु ने पहले ही यह सोच लिया हो कि वह अंजू की मदद करेगी, पर हमने देखा कि अंजू ने फटाफट ही निष्कर्ष निकाल लिया कि बिंदु नोटबुक नहीं देना चाहती। यह अधीरता का संकेत है। धैर्य का मतलब है जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालना। ऐसे जल्दबाजी दिखाने से व्यक्तिगत रिश्तों में दरार आ सकती है। ऐसा करने से हमें शर्मिंदा होना पड़ सकता है। क्या आपने कभी जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकाला है जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ा हो? या फिर क्या कभी किसी और व्यक्ति ने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला है जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए शुक्रिया। किसी बात का गलत निष्कर्ष निकालना और किसी की अधीरता की वजह से परेशानी उठाना बहुत दुविधापूर्ण होता है, पर हमें इन बातों से सबक सीखना चाहिए ताकि ये अनुभव हमारे काम आ सके। आइए अब एक और स्थिति के बारे में बात करते हैं। वीना, माला और प्रकाश एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन तीनों ने सोचा है कि यह प्रोजेक्ट कैसे पूरा करना चाहिए। प्रकाश ने सबको समझाया कि यह प्रोजेक्ट कैसे किया जाए। जब वीना अपनी बात समझाने लगी तब प्रकाश बीच बीच में बोलकर उसके वाक्य पूरे कर रहा था। फिर जब माला की बारी आई तब भी प्रकाश यही कर रहा था। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आप तीनों इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। वार्तालाप के बीच में किसी को टोकना या फिर किसी की बात बीच में काटकर उसे पूरा करना बहुत बुरा होता है। ऐसा करने वालों को अशिष्ट और घमंडी माना जाता है। पूरी बात सुनना और दूसरे इंसान को बोलने का मौका देना धैर्य की निशानी है और शिष्ट व्यवहार भी। अगर हम बीच में किसी को टोकें तो उससे उस इंसान की विचारधारा पर असर पड़ता है। रुकावट आने से जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, कभी कभी हम उस विषय से भटक भी जाते हैं। ऐसा करने से बातचीत का उद्देश्य ही खो जाता है। धैर्य का मतलब है किसी के वार्तालाप में बाधा ना डालना। क्या आपने कभी किसी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा है? वह एक एक करके घास फूस, तिनके, पत्ते जमा करती है और पेड़ में एक सुरक्षित डाल पर अपना घोंसला बनाती है। अगर कोई तिनका नीचे गिर जाए या हवा से उसका घोंसला बिखर जाए या फिर कोई जानवर उसका घोंसला उजाड़ दे, फिर भी वह हार नहीं मानती। वह फिर से अपना घोंसला बनाने में जुट जाती है। वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटती। यह धैर्य की निशानी है, हार ना मानना और दृढ़ता से काम में जुट जाना। ये अति धैर्यवान व्यक्ति की निशानियां है। धैर्य से सहनशीलता बढ़ती है। धैर्य का मतलब है कठिनाइयों और मुश्किलों के बावजूद डटे रहना। जब कोई किसान बीज बोकर फसल के उगने और पकने का इंतजार करता है तो वह धैर्य दर्शाता है। पर फसल में पानी और खाद ना डालना, जंगली पौधों को ना हटाना आलस्य होता है। यह भाव इस कथन में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। धैर्य का मतलब है इंतजार करना। इंतजार का मतलब यह नहीं है कि हम फालतू बैठे रहें, यह आलस्य होता है। जब राह कठिन हो तब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, यही धैर्य है। उदाहरण के लिए आप एक फुटबॉल प्रतियोगिता में खेलने जा रहे हैं। आप पहले मैच में हार गए, आप क्या करेंगे? आप ज्यादा अभ्यास करेंगे ताकि आप अपनी योग्यता सुधार सकें, या फिर आप बैठे बैठे इंतजार करेंगे कि आपकी किस्मत बदलेगी और आपको कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा, या फिर आप आयोजकों से निवेदन करेंगे कि वह मैच फिर से खेला जाए ताकि इस बार आपको जीतने का मौका मिल सके। यह संभव नहीं है कि आपको जीतने का मौका देने के लिए वह मैच दोबारा खेला जाए। यह भी जरूरी नहीं है कि बैठे बैठे किस्मत के बदलने का इंतजार करने से आप जीत जाएंगे। पूरा प्रयास करके परिणाम का इंतजार करना ही धैर्य है। ऐसा करने से ही हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है। धैर्य का मतलब है लक्ष्य को प्राप्त करने का इंतजार करते हुए कड़ी मेहनत करना। क्या आपने कभी धैर्य के नाम पर आलस्य किया है? क्या आप इस अनुभव के बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे?
धन्यवाद। यह सराहनीय है कि आपने अपनी बात खुलकर बताई। आइए एक और परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। यह कहानी अल्बर्ट नामक एक लड़के की है। वह 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक पढ़ नहीं पाता था। उसके माता पिता को लगता था कि वह आम बच्चों जैसा नहीं है। उसकी एक शिक्षिका उसे मंदबुद्धि, असामाजिक और सपनों में खोए रहने वाला कहती थी। उसने पूरा प्रयास किया कि वह इन सब बातों से बाहर निकल सके। उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उसे पॉलिटेक्निक स्कूल में भी दाखिला नहीं मिला। इसके बावजूद उसने बोलना और पढ़ना सीखा और थोड़ा बहुत गणित भी सीखा। आपको क्या लगता है, उसकी सफलता के पीछे क्या कारण रहा होगा? दूसरों का रूखापन, दूसरों के रूखेपन को सहन करना, उसके प्रयास? पहला, दूसरों का रूखापन। दूसरा, दूसरों के रूखेपन और आलोचनाओं को सहन करना। तीसरा, उसके प्रयास। उसके प्रयासों से उसे काफी मदद मिली, पर सबसे ज्यादा मदद उसे इस बात से मिली कि उसने दूसरों के रूखे व्यवहार को और उनकी आलोचनाओं को सहन कर लिया। आलोचना और रूखापन सहन करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। जीवन में हमें लगातार संघर्ष करते रहना पड़ता है। धैर्य से हम सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं। धैर्य का मतलब है आलोचना और रूखेपन पर विजय पाना। गौर करने वाली बात यह है कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में उनका नाम लिया जाता है। धैर्य से हम कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, है ना? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिसमें बहुत धैर्य हो और इस वजह से आप उनसे प्रभावित हुए हो? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। सच में इस उदाहरण से सबको प्रेरणा मिली है। टॉलस्टॉय ने कहा है, धैर्य और समय दो सबसे ताकतवर योद्धा हैं। इन शक्तियों का प्रभाव हर चीज पर पड़ता है। धैर्य और समय दो सबसे ताकतवर योद्धा हैं। मैं दोहराती हूं, धैर्य और समय दो सबसे ताकतवर योद्धा हैं। हमने देखा कि धैर्य का क्या मतलब होता है। जीवन को सफल बनाने के लिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। किन परिस्थितियों में धैर्य अति आवश्यक हो जाता है, इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? धैर्य का मतलब है हर एक काम को उचित समय पर करना, दूसरों की धीमी गति या उनके बेढंगेपन को सहन करना, बात को ध्यान से सुनना और समझना, यह समझना कि हर एक चीज तुरंत या फटाफट
नहीं हो सकती। जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालना, किसी के वार्तालाप में बाधा ना डालना, कठिनाइयों और मुश्किलों के बावजूद डटे रहना, लक्ष्य को प्राप्त करने का इंतजार करते हुए कड़ी मेहनत करना, आलोचना और रूखेपन पर विजय पाना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।